दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। जर्नल समाज की विशेष महासभा दिनांक 16/5/18 दिन बुधवार को गुप्ता पैलेस विच शाम 3 बजे की जा रही है, जिस विच जनरल समाज के सारे ही मैंबरां नूं अपील की गई है कि हुम हमा के उस मीटिंग च वध तो वध दी संख्या विच पहुंचो। कुछ शक्तियां जिन्हां दा कि असीं विरोध कर रहे हैं, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल दे विच पा के शहर के व्यापारियों नूं, रेहड़ी वालियां नूं, होर रिक्शा वालियां नूं गुमराह करन दी कोशिश की है कि जद भी उन्हां ते कोई भार पई है वो उन्हां दे अगे आके उन्हां दे नाल खड़िया, जबकि हकीकत कुछ होर ही है। वो अपने आप नूं जरनैल नंगल कहाउंदा, वो बंदा नंगल पिंड दा जरनैल बनन दे भी काबल नहीं, जिहड़ा जिंदगी च कदी पंच नहीं बन सकिया उन्हें नंगल पिंड दा जरनैल की बनना। असलियत यह है वो बनी बनाई खीर खाण दा आदी है, अपने लैवल ते 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता। जदों वह हजूम देखता कि 50-100 बंदा खड़ा, उन्होंने अगे आ के खड़ के सरकार के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करन दा आदि है, जबकि वो अपने पल्ले कुछ ने, वो सिर्फ लोगों के मोढ़ियां के उत्ते रख के ही चलानी जानता है। पहला भैण मायावती दे नाल सी, जो उतों हार गया तो कैप्टन की गोद च जाके बैठ गया, जो उन्हें लगा कि बहुजन समाज पार्टी ने उसनू वोट नहीं देनी तो वह कैप्टन की गोदी च जाके बैठ गया, जदों लगा कि कैप्टन ने भी उन्हें टिकट नहीं देनी तो लोक इंसाफ पार्टी के बैंसा की गोदी च जाके बह गया। पर जनरल समाज के कुछ लोगों ने एक बार वो बहकावे च आके उन्हें वोटा पा दियां, पर हुण उहदा हशर फगवाड़े विच बहुत माड़ा होने वाला है। हुण जिन्नियां मर्जी दुहाइयां पा लवे, उहदी किस्मत विच जित नहीं लिखी हुई, उहदे चेहरे तो साफ घबराहट झलकदी है। वह BJP के चंद मोहरिया के उत्ते यह सिट रहा कि वह आगू कट्ठे हो के उसके राजनीतिक विरोधी है। मैं उन्हें दसना चाहना कि BJP के वह चेहरे आ जिन्होंने ना MLA का इलैक्शन लड़ना, ना MP का इलैक्शन लड़ना है, पर उन्होंने समाज को तैनू वंडन की इजाजत नहीं देनी। तू जिहड़ियां राजनीतिक रोटियां SC समाज जनरल समाज को वंड के सेकनियां चाहना है, तू अपनी लीडरी कॉलेजां च जाके SC बच्चों नूं बरगला के, कॉलेजां दीआं मैनेजमेंटां नूं दबके मार के जिहड़ियां चलाउणियां चाहुंदा है, वह तैनू हुण जनरल समाज ने चलाउण नहीं देणियां। हुण समें दी मंग है। मैं तैनू इस मंच तो यह चेतावनी दिंदा कि शहर की अगर एकता लई तू इन्ना ही चंगा तो 13 तरीक की रात नूं तू बैनर लैके उत्थे क्यों गया रात दे 11 बजे। मैं तो प्रशासन तो मंग करदा तेरे ते भी 302 लगनी चाहिए है, क्योंकि तेरे कारण ही तू बच्चों जो भी बरगला के उत्थे लैके गया, तद उत्थे साडे बंदियां नूं अपनी हिफाजत लई गोली चलानी पई है, बंदे की मौत हुई है। सानू सारिआं नूं तेरे तो वध दुख है इस गल का, और असी सारे उस बच्चे के माता पिता के नाल हमदर्दी का प्रगटावा करते हैं। तुसी कुछ लोगों ने उहदे जो भोग दे उत्ते इत्ते राजनीतिक रोटियां सेकियां, वह किसी तो छुपिया हुई नहीं। अज मैं अपने सारे समाज के भरावां वीरां नूं, रेहड़ी वालियां नूं, रिक्शा वालियां नूं, दुकानदार भरावां नूं इहदियां गल्लां च नहीं आउणा। ये वो बंदा है जिहड़ा अपनियां रोटियां सेकण लई समाज च वंड पा सकदा है, कुछ भी कर सकदा है। कल नूं गुप्ता पैलेस हुम हुमा के पहुंचो तां कि अपनी एकता का प्रगटावा सरकार नूं दिखा सकीए, ये दिखा सकीए कि जनरल समाज एक है। जनरल समाज की आंधी जिहड़ा अंदोलन है ये फगवाड़े तो शुरू होकर सारे पंजाब च फैलेगा, सारे पंजाब तो बाद सारे देश च फैलेगा। मैं अपने भरावां नूं अपील करदा कि कल नूं जरूर तो जरूर गुप्ता पैलेस च पहुंच के अपने इकट्ठ का प्रगटावा करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ खामियां हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, और आगे भी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।